नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दो दिन पहले एबीपी न्यूज ने यूपी में एक सीनियर आईएएस अधिकारी के बारे में बताया था। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह वो पद पर रहते हुए धर्म प्रचार के काम में लगे हुए थे, अपने सरकारी घर में धर्मांतरण कराने में लगे हुए थे। ये वीडियो सामने आने के बाद यूपी सरकार ने आनन फानन में एसआईटी बनाने का ऐलान किया। 7 दिनों में एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, लेकिन जांच का ऐलान होते ही अब नया विवाद भी शुरू हो गया। इन दिनों यूपी में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने में लगे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच मुसलमानों को परेशान करने की तरह है। यूपी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि जब किसी अधिकारी के खिलाफ धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं तो क्या उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? अभी तक इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, सिर्फ जांच की बात कही गई, तो क्या जांच होना भी बदले की कार्रवाई है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अगर कोई सोचता है कि धर्मांतरण के जरिए वो विस्तार और विश्वास पैदा करेगा तो वो भी पैमाना नहीं हो सकता और ना हो रहा है। और जो भी जबरन या प्रलोभन देकर के इस प्रकार के धर्मांतरण की कार्रवाई करता है, हम ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। धर्मांतरण भी यहाँ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कानून का पालन क्यों नहीं कर पा रही? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाए रखने में नाकाम हो रही है। धार्मिक तकरीर, धर्म का प्रचार और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोपों में घिरे यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम छानबीन के काम में जुट गई है। एसआईटी में यूपी पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों को शामिल किया गया है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ जांच अब राजनीति का भी मुद्दा बन गई है। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों पर दावेदारी करने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ जांच को मुसलमानों को परेशान करने वाला कदम बताया। ओवैसी ने ट्वीट किया, यूपी सरकार ने सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन साहब के एक 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। ये खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर परेशान करना है। अगर मानदंड यह है कि कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों में जुड़ा नहीं हो सकता तो दफ्तरों में हर तरह के धार्मिक संकेतों, चित्रों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। अगर घर पर धर्म के बारे में सिर्फ चर्चा करना जुर्म है तो सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आज जब धर्मांतरण के मसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है तो इसको चुनाव से जोड़ करके देखने वाले लोग तुष्टीकरण की वही राजनीति करने वाले लोग हैं जिनके कारण ये धर्मांतरण जैसी समस्या खड़ी हुई है। इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर के कुछ लोगों ने भी सामने आकर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन जाने के डर से उन्होंने 2016 में तत्कालीन कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन से मुलाकात की थी, लेकिन इफ्तिखारुद्दीन ने उनके सामने जमीन बचाने के बदले धर्म बदलने की शर्त रखी। उन्होंने ये बोला कि अपने धर्म वर्म अच्छा करो और अच्छी जगह जाकर रहो, जमीन तो भाई हम नहीं तुम्हारी दे सकते हैं, हमारी सुनी ही नहीं उन्होंने, तो हम तो वहाँ से आ गए, फिर हम दोबारा गए नहीं वहाँ पर। कि वो धर्म बदल लो और ये सिटीज में क्या रखा, अच्छी जगह में रहो तो फिर तुम्हारा मसला कुछ हल होगा। हाँ, पिछले हफ्ते जब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था, उस वक्त भी यूपी में इसी तरह की सियासत शुरू हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इस वक्त हम दुबई में मौजूद हैं, यानी आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज दुबई पहुंच गया है। अब आप वजह जानना चाहेंगे क्यों, क्योंकि आपको ये बता दूं कि कोरोना काल में, कोरोना के समय में
दुनिया जिस तरीके से इकोनॉमिक उस ट्रैक पर परेशान रही है, अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सब अपने अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुट जाएंगे और इसीलिए दुबई एक्सपो जो कि 2020 में होना था वो 2021 में कल उसके रंगारंग शुरुआत होने वाली है। एबीपी न्यूज यहां पर बड़ी कवरेज करेगा, एबीपी न्यूज की एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है, लेकिन हुंकार यहां दुबई से इस बात पर कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि जो गलत है उसके खिलाफ जांच बिठा देना भी या उसके खिलाफ जांच 7 दिन में उसका जवाब मांगना भी गुनाह हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो है अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विजय शंकर तिवारी है प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, आदिल अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता है AIMIM के, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है। आदिल अलवी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि IAS अधिकारी के खिलाफ जांच मुसलमानों को परेशान करने की तरह है, मुझे बताइए कैसे इसी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जो है अगर आप जबरदस्ती करवा रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ है। असद ओवैसी तो खुद एक बैरिस्टर है, उनको कानून की समझ नहीं जी? नहीं नहीं पूरी समझ है उनको। और मैडम ये वीडियो 6 साल पुराना बताया जा रहा है, ये तो अब तक 4 साल 4.5 साल मुल्क की जो एजेंसियां थी। आवाज आ रही है आपकी अलवी साहब? आवाज आ रही है मैडम? बीज बीज बिल्कुल जो ओवैसी साहब ने कहा सही कहा है, और ये वीडियो जो इफ्तखारुद्दीन साहब की आई है मंजरे आम पे, ये 6 साल पुरानी बताई जा रही है, और 2022 में इलेक्शन है तो अब तक क्या 4 साल 4.5 साल या 5 साल गुजरने के बाद ये इस तरह की अगर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है तो ये तो खुद मुल्क की इंटेलिजेंस पे, सूबे की सरकारी व्यवस्था पे एक सवालिया निशान है कि जो चीज आपको जब सूट करती है तभी आप उसको जो है उसका बस एक छोटी सी बात करते हैं उसको मीडिया में और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोषी करार दे दिया है। नहीं इफ्तखारुद्दीन को क्या दोषी करार दे दिया है अलवी साहब, मुझे बताइए, उनको दोषी मान लिया है? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, जिस तरह से हैरेसमेंट हो रहा है उससे साफ जांच करने दीजिए ना, उनको दोषी बना के इंतजार कीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर किसी तरीके से कोई परेशान किया जा रहा है? कहाँ से मीडिया ट्रायल हो रहा है भाई? एक वीडियो आया है, वीडियो में वो धर्मांतरण के बारे में बात कर रहे हैं, वो मजहब अपने मजहब को बड़ी सबसे उम्दा बता रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उस पर जांच तो होनी चाहिए ना, उससे किसी को क्यों दिक्कत आनी चाहिए? मैडम अगर 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 मैडम अगर किसी को ये तजस्सुस है, क्यूरियस है कि मेरे मजहब के बारे में वो जानना चाहता है, तो लॉजिकल और रीजनिंग के हिसाब से मैं उसको बताऊंगा कि क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां मेरे मजहब की। और मुझे तो नहीं लगता कि अपने मजहब की जी तबलीग करना और उसको प्रमोट करना कोई बुरी बात है या कोई गैर कानूनी बात है। आप बताइए मुझे कि अगर मैं कह रहा हूँ प्रमोट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ खाड़ी के मुल्कों से बकायदा उन लोगों से फोन पर बात करके ये कह रहा कि क्षत्रिय हो तो बेहतर होता, ब्राह्मण होता तो बेहतर होता, इतना पैसा देंगे तो बेहतर होता, ये सारी चीजें अपने अपने धर्म को बेहतर बताने वाली नहीं है, ये बकायदा पूरा एक रैकेट है, इस बात को आप समझिए। विजय शंकर तिवारी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फोन पर टैप हुई बातचीत बता रही है अलवी साहब, आंख मत बंद कीजिए। नहीं देखो तो वही तो किया जा रहा है, उसके लिए आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों पर चोट हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। विजय शंकर तिवारी, रैकेट बंडा फोड़ करने में 6 साल लग जाते हैं। जी जी देखो ये जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही देंगे। देखो एक बात तो ये कही जाती है कि किसी भी देश की सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, एक मिनट अलवी साहब एक मिनट,
किसी भी देश की सरकार सेकुलर होनी चाहिए। तो केवल सरकार में केवल राजनेता नहीं होते हैं, सरकार में प्रशासक भी होते हैं, और किसी भी प्रशासक को अपनी प्रैक्टिस करने की छूट है, लेकिन धर्मांतरण की छूट उनको हो गई, ये कहां से तय हो गया? वास्तव में क्या है, ओवैसी साहब का जो बयान आया है उस विषय पर विशेष ध्यान करना चाहूंगा कि ओवैसी साहब चाहते हैं कि जैसे तालिबान में सरकार चलती है वैसे ही भारत में इस्लाम की सरकार चले, ये उनकी सोच है। यानी मुसलमान आतंकी गतिविधियां करें उस पर बोलिए मत क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, मुसलमान हत्या करे बोलिए मत क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, मुसलमान लौ जिहाद करे बोलिए मत क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अलवी साहब एक मिनट, मुसलमान घूम जिहाद करे बोलिए मत क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए। और अलवी साहब दूसरा, अजरुद्दीन साहब का आपको क्या पता है ना, बहुत सारे क्रिकेटर फंसे थे, भारत के एजेंसीज ने सबको ट्रैप किया था, और जब अजरुद्दीन को पकड़ा गया अजरुद्दीन ने क्या कहा था, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे ट्रैप किया जा रहा है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। यानी हर बात में मुसलमान निशाना बनाया जा, अगर क्या चाहते हैं आप, यानी देश में धर्मांतरण की गतिविधियां, अभी कलीम पकड़ा गया, उमर गौतम पकड़ा गया, कितने बड़े पैमाने पर भारत में धर्मांतरण हो रहा है, यानी आप क्या चाहते हैं? और मैं कहता हूं अभी हमारे भदौरिया साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के, इनके समय में ये कमिश्नर रहे, और ये मतलब इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा का पूरा हिंदू समाज मुसलमान बन जाए, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना राजनीति के चलते कोई अगर दूसरे धर्म का या माइनॉरिटी का या मुसलमान कर रहा है तो उसे ढकने की, उसे छुपाने की कोशिश क्यों होती है? अनुराग भदौरिया, यही इफ्तिखार हैं जिनको, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मेट्रो कानपुर का कमिश्नर रहने के दौरान मेट्रो के लिए कुछ लोगों की जमीन का अधिग्रहण जब किया जा रहा था तो उनको वो ये कह रहे थे कि तुम अपना धर्म बदल दो तो तुम्हारी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, परेशानी की बात नहीं है, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। तो जब आरोप लगे तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने कब बोला जांच नहीं होनी चाहिए? आप जबरदस्ती मेरे ऊपर सवाल उठा रही है भाई, आप भी बीजेपी के साथ मिल गई है क्या, या बीजेपी के प्रवक्ता तो आप है नहीं? मैंने क्या बोला कि जांच नहीं होनी चाहिए? मैंने बोला शुरू नहीं किया, आपने पहले ही बोल दिया जांच नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात तो कह लूं तब तो आप बताइएगा ना कि मैं हम अपनी बात क्या कह रहे हैं। अरे सवाल पूछा है, ज्यादा भावुक मत हुआ कीजिए, ठीक है? नहीं भावुक नहीं, आप तुरंत के तुरंत नहीं, आप सलीके से सवाल पूछा है, सलीके से जवाब दीजिए, यहाँ मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप जजमेंट नहीं, आप जजमेंटल मत बनिए ना। मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया है, आप अपनी जबान को लगाम लगाइए। कोई सवाल समझ गए अनुराग भदौरिया? कब बोला कि सवाल ना पूछे? यू आर नॉट हियर टू गिव अ सर्टिफिकेट। आप सवाल, आपसे एक सवाल पूछा है, तमीज के दायरे में रहकर उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे आप, अनुराग भदौरिया। आप जजमेंटल हो जाएंगे तो जवाब कैसे देंगे? पहले से आप सवाल बस सुना आपने, मेरा सवाल सुन लिया आपने, बोला कि डिड यू हियर माय क्वेश्चन मिस्टर भदौरिया? आपने बोला सवाल पूछा नहीं है, चश्मा पहनकर आए हैं किसी सोच का, और मुझे यहाँ कह रहे हैं कि आप इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, आप उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, क्यों रिपीट करूं मैं? ध्यान से सुनते क्यों नहीं है मेरा सवाल? आप दोबारा रिपीट कर दीजिए ना, दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या सवाल आपने पूछा था? मैं कह रही हूँ बड़ा से बड़ा जुर्म हो, अगर वो जुर्म किसी माइनॉरिटी ने किया है, अगर उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो फिर किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? दिक्कत यह है कि आपके सवाल में, इस सवाल में मुझे ये बताइए कि आपको कहां से लग गया कि मैंने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया? सुन तो लीजिए, अभी आपने सवाल पूछा, आपको कहना चाहिए कि नहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, तो आपका सवाल गलत है ना पूछना, आप तो संवैधानिक सवाल ही नहीं पूछ रहे। आप कह रहे कोई माइनॉरिटी अगर गलत काम करे, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपका सवाल ये कैसा होता है कोई माइनॉरिटी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर सवाल? अरे माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, अगर हिंदुस्तान के संविधान और कानून के खिलाफ काम होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सवाल होना चाहिए ना आपका। कहां है भाई, मुझे ये बताइए, मैंने कहा कि अगर कोई, नहीं मुझे आप मुझे पत्रकारिता मत समझाइए। कोई व्यक्ति, सुन लीजिए, मेरा सवाल जो मैं पूछ रही हूं उस पर कायम हूं, सुनिए, आपको डर लग जाता है मुसलमान नाम से, आप कांपने लगते हैं, आप गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, आपके साथ मेजर प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ तो जो गलत है वो सीधे बोलती हूँ, धमकियों की चोट पर बोलती हूँ, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये कानून की बात है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं कर सकते, माइनॉरिटी शब्द से डरते हैं ना,
चाहे माइनॉरिटी शब्द से डर लगता है ना आपको, आपका वोट बैंक खिसक जाएगा ना, वो मुस्लिम यादव जो है वो खिसक जाएगा ना, वो बड़ा परेशान करने वाला है ये सब। माइनॉरिटी ये डराता है आपको, तो बताइए आप मुझे इफ्तिखारुद्दीन के बारे में बताइए। अब मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं, मुझे बताइए पहले, बताइए आईएएस अधिकारी के बारे में बताइए, आईएएस अधिकारी के बारे में बात कीजिए, क्यों बच रहे हैं उनके बारे में बात करने से? मैंने कब बचा? आपने सवाल पूछा ही नहीं अभी और कह रहे हैं आप बच रहे हो। पहले आप माइनॉरिटी मेजोरिटी करने लगे थे, आप पूछे आईएएस अधिकारी ने ऐसा काम किया, मैं जवाब दूंगा, पूछे आप। लेकिन आप ये कहोगे कि माइनॉरिटी ऐसा करे मेजोरिटी ऐसा करे तो कैसा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी सवाल होता है। स्कूल खोलेंगे अनुराग भदौरिया? नहीं नहीं, हम जर्नलिज्म का स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जैसी बात तो हो। हाँ? तो हिंदुस्तान में रहकर आप सवाल का जवाब दीजिए वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। नहीं तो आप सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं या आप आईएएस अधिकारी के ऊपर जवाब दे पाएंगे? अरे आप सवाल जवाब दे पाएंगे या परेशानी हो रही है? सवाल तो पूछिए, बिना सवाल पूछे आईएएस अधिकारी पर जांच को लेकर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? देखिए इस देश के अंदर में कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करेगा, कोई भी अपराध करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल तक सोती रही और उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने का नाम ही नहीं ले पा रही है। यहाँ पे धर्मांतरण का भी, यहाँ पे कानून है, यहाँ महिला सुरक्षा का भी कानून है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बचाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है ना। धर्मांतरण का कानून को बचा सुन रहे ना, धर्मांतरण आज बोल तो रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपने पूछा आईएएस अधिकारी पे गलत जवाब मत दीजिए ना, सही सवाल पूछा है, मैंने तो बोला ही आपको उसका जवाब। अरे सवाल का जवाब एक हाँ एक लाइन में जवाब होनी चाहिए, अगर जवाब नहीं सुनना चाहते जवाब दीजिए ना, दिक्कत नहीं है। आईएएस अधिकारी पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति अगर समाज के अंदर में कानून के खिलाफ काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसमें क्या बुरा है होगी। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपराध रोकने में उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम क्यों है? क्यों मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है यहाँ पे गोरखपुर के अंदर में? क्यों पुलिस वाले उसको मार देते हैं? क्यों विवेक गुप्ता विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है, पुलिस गोली मार देती है? क्यों हथरस की बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन के जला दिया जाता है? क्यों यहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है? क्यों धर्मांतरण कानून है उसके खिलाफ सरकार काम नहीं कर पा रही है? क्यों यहाँ धर्मांतरण हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है, चाहे धर्मांतरण का कानून हो, चाहे यहाँ महिला व्यवस्था पे हो, चाहे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है, ये आप भी मानती है। लेकिन आप ऑन एयर ना माने तो ना माने, हम क्या करें? उसका जवाब दीजिए ना, 6 साल पुराना जवाब मिलेगा, 6 साल पुराना वीडियो है ना भाईजान, 4.5 साल से सरकार, 6 साल पुराना वीडियो किसकी सरकार थी 6 साल पहले है ना, 4.5 साल से सरकार किसकी है ना? अरे 6 साल पुराने वीडियो की बात हो रही है ना, उन्हें भाईजान 6 साल पुराने वीडियो की बात हो रही है ना, 6 साल पहले किसकी सरकार थी? 4.5 साल से अरे आईएएस अधिकारी पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए? ये आपकी नाक मतलब के नीचे कानून तोड़ता रहा और आप कार्रवाई नहीं कर पाए, क्यों बचा रहे थे? किस वजह से बचा रहे थे? शिवम त्यागी हंसे सर, बुरे फंसे, बुरे फंसे। 6 साल पहले का वीडियो ना, तो 6 साल पहले किसकी सरकार थी और क्या कर रही थी ये सरकार? आपकी नाक के नीचे धर्मांतरण चल रहा था, आपके नीचे एक आईएएस अधिकारी उसके ऊपर आरोप है कि लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, और आप जो है आप 4.5 साल अभी देख रहे हैं, अपना अपना बताइए ना, 6 साल पहले की वीडियो के बारे में बताइए ना, 4.5 साल शिवम त्यागी, वही तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रही, मैंने बोला जब एक्सप्रेस। हाँ 6 साल पर नहीं जा पाएंगे, हिम्मत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ अब भदौरिया साहब आपकी हिम्मत नहीं है, कोई बात नाम और नंबर नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं करते आप, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ हो जाएगी, रहने दीजिए कोई बात नहीं। शिवम त्यागी नाम दे दिए जाएंगे समाजवादी में, शिवम त्यागी मुसलमानों के खिलाफ ये बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। अनुराग भदौरिया आप शांत हो जाइए, आपके साथ सवाल जवाब अब खत्म होते हैं, ठीक है भाईजान अब खत्म होते हैं। शिवम त्यागी रूबिका जी, रूबिका जी सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक रूबिका जी इनको प्लीज एक बार कह दीजिए बंद हो जाए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मसला ये सरकार के अब चुनाव के समय की बात का है कि चुनाव है इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, रूबिका जी कैन यू प्लीज आस्क हिम टू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, दिस इज नॉट बैड, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? बस अनुराग भदौरिया अब आपकी आवाज मैं कम कर रही हूँ क्योंकि आप नहीं चुप होंगे, आवाज कम कर दीजिए प्लीज अनुराग भदौरिया की। शिवम त्यागी अपनी बात
अभी मुझे सबके ओपनिंग रिमार्क्स लेने सर, शिवम त्यागी। तो जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान और दुनिया में क्या हालात हैं आज इस सिचुएशन को लेकर, थोड़ा सा इस पर हम डेटा देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली हर साल 20,000 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। एक चीज आप मुझे बताइए, फ्रांस में कहा जाता है कि वहां पर 1,20,000 मुस्लिम्स हैं, जिसमें से मात्र 20,000 जो है पहले मुस्लिम है, 1,000 कन्वर्ट। एक अमेरिकन अफ्रीकन स्टडी कहती है कि इस दुनिया में करीब 25 साल में कन्वर्जन की रेट दोगुनी हो गई। हिंदुस्तान में आए दिन केसेस आते हैं और उत्तर प्रदेश, अभी आपने जिस तरह देखा कि मोहम्मद उमर गौतम जिन्होंने 1,000 लोगों को कन्वर्ट किया। अब आप चीज बताइए, अगर इस तरह का 6 साल पुराना वीडियो सब कह रहे हैं, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? 6 साल पुराने एक वीडियो की जांच करना प्रायोरिटी है या फिर बाकी तमाम जो उत्तर प्रदेश की परेशानियां हैं उससे निजात दिलाना जरूरी है? इतनी तुरंत कार्रवाई कि 7 दिन में एसआईटी जो है वो जांच सौंपेगी, उसका जवाब देगी? ये क्या प्रायोरिटी है? ये उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे, मुझे सवाल सुनिए ना पहले, उत्तर प्रदेश की जनता को ये एसआईटी द्वारा सौंपी जा रही जांच जो है वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी, मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका जी, जिस दिन से सरकार आई है और जिस दिन तक सरकार रहेगी डेवलपमेंट के लिए ही काम करेगी, लेकिन अगर इस मुद्दे को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार का फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंडा ये है कि 7 दिन में जो भी दूध का दूध है पानी का पानी है वो हो जाए, किसी को क्या परेशानी है भाई। सरकार ये नहीं कह रही कि उन्होंने किया है, सरकार ये भी नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं किया है, एक एसआईटी की जांच हो जाए 7 दिन में, ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। आप इस पर हिंदू मुस्लिम खेलेंगे, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, अपीजमेंट किया जा रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इस मुद्दे को 7 दिन में ही खत्म करके इसको निस्तारण करते हैं और आगे फिर डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है तो बार बार इसको क्यों कुरेदे जा रहे हैं? हो जाने दीजिए ना जांच। रूबिका जी, हर रोज इस देश में, प्रदेश में हजारों जांचें होती हैं। मैं कहता हूं इतना शॉर्ट टर्म जांच हो रही है सभी के लिए बहुत शानदार बात है। अनुराग भदौरिया के पास ये मौका नहीं होगा कि हम मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, ये देखिए, ये क्लियर देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं काम तो होता रहेगा, तो 4.5 साल में मैंने कहा होता रहेगा। अनुराग भदौरिया सुनते नहीं हो, उत्तर प्रदेश नंबर वन नहीं होगा, मैंने कहा कि होता रहेगा, अभी शिवम त्यागी। मैंने कहा अनुराग भदौरिया, आपका नाम अनुराग भदौरिया ना, शिवम त्यागी रुक जाइए, पहले अनुराग भदौरिया आपसे बात, वो पहले 30 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर आप रखिएगा 30 सेकंड अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड में अपनी बात। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, तो मैं इनसे कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बेरोजगारी में नंबर वन, ये विकास है, नफरत में नंबर वन, यहाँ पे महिला अत्याचार में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार बढ़ता ही चला जा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो आलम तो यह है रूबिका जी, गलती से घूमने मत आइएगा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के हॉस्पिटल में मनीष गुप्ता को पीट के मार दिया पुलिस वाले ने, इस बात पे क्या दिखाई, इस बात पे मनीष गुप्ता को पीट के मार दिया। अब मनीष गुप्ता की क्या गलती भैया, घूमने के आता था मेरा एक सवाल पुलिस, या विवेक तिवारी यहाँ घूमने निकलेंगे तो गोली मार देगी, मनीष गुप्ता को यहाँ पीट के मार देगी, सुनते क्यों नहीं अनुराग भदौरिया, मार देगी, महिला के साथ अन्याय होगा उसका बिना मार, आपका ये टेप रिकॉर्डर जो है इसमें मेजर प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एक बार शुरू हो जाते तो आप रुकने का नाम नहीं लेते, आवाज कम कीजिए, आप सुन नहीं रहे हैं क्या? ठीक नहीं होगा, अरे सुन ही रही है ना, मेरी बात सुनिए ना, सवाल पूछने दीजिए ना मुझे, आप यहाँ पर अपने सपाइयों को थोड़ी संबोधित करने आए हैं भाईजान, सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आपको, ये जो इफ्तखारुद्दीन है, सुनिए, ओके अनुराग भदौरिया जी रुकिए, सुनिए, इफ्तखारुद्दीन जो है, आप उनको एक मुसलमान पहले मानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी पहले मानते हैं? देखिए मैंने आपको, दिक्कत आपके साथ रूबिका जी है कि आप सुनना नहीं चाहती। मैंने पहले ही बोला हिंदुस्तान के अंदर में माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आती आप कुछ एजेंडा मैंने आपसे एक बहुत सरल सवाल पूछा, इफ्तखारुद्दीन को आप एक आईएएस अधिकारी पहले मानते हैं या मुसलमान? हाँ, आईएएस पहले मानते हैं ना, बस अब रुक जाइए, आईएएस पहले मानते हैं ना, अब इस आईएएस अधिकारी ने क्यों ईमानदारी से काम नहीं किया,
क्यों अपने देश के संविधान को के प्रति ईमानदारी नहीं बरती। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मैं दुबई में मौजूद हूं, लेकिन हुंकार आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, राजनीति से ज्यादा हो रहे हिंदू मुसलमान पर हो रहा है। ब्रेक से पहले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया कि आप इफ्तखारुद्दीन को एक आईएएस ऑफिसर पहले मानते हैं या फिर एक मुसलमान। उन्होंने कहा आईएएस ऑफिसर, और इसीलिए संगीत रागी, अगर वो आईएएस ऑफिसर हैं थे उस वक्त, तो उस हिसाब से तो वो अपने नियम का, अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपना धर्म मानने को स्वतंत्र तो है, लेकिन खुलेआम धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता, किसी धर्म या मजहब का प्रचार नहीं कर सकता, किसी दूसरे धर्म या मजहब को नीचा दिखा नहीं सकता। ये अधिकारियों के लिए नियम है, खास नियम है, जो तोड़ते हुए 6 साल पहले हो कि 60 साल पहले हो, एक आईएएस अधिकारी नजर आ रहा है। 4.5 साल से सरकार क्या करेगी, रुक जाए, ये भी पूछ लीजिए ना आप, सरकार को क्यों बचा रही है बार बार? अगर अपनी इसका मतलब हुआ बच्चे का जन्म समाजवादी पार्टी में हुआ, देखिए बच्चे का जन्म तो समाजवादी पार्टी में हुआ था, अभी क्राइम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहा है सब समाजवादी जिम्मेदार। आपका नाम संगीत रागी है, जाने आई है क्या समाजवादी? नहीं नहीं, अभी जांच हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी जांच हो रही है ना, तो क्या किया जाए? सवाल नहीं 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 क्या किया जाए? अनुराग भदौरिया, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूं। समस्या तो ये है, संगीत रागी जवाब दीजिए, मुझसे पूछना चाहिए। संगीत रागी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया ज्यादा बौखलाहट आपके लिए अच्छी नहीं है। अनुराग, मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मैं मांग रही हूँ, ठीक है? देखिए देखिए देखिए, नियमानुसार तो जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने जो आईएएस के जो मैनुअल्स हैं उसका वायलेशन किया है, यदि ये वाकई सच है तो, क्योंकि वीडियो के वीडियो सही है या नहीं सही है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वीडियो सही है तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो मैनुअल कहते हैं उसके अनुसार उन्होंने गलती की है, और जो है वो शासन को ये पूरा अधिकार बनता है कि वो इसकी तहकीकात करें और इसके इसकी सच्चाई का पता लगाएं। दूसरी बात यह है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती कि ये 6 साल पहले हुआ है या 7 साल पहले हुआ है, यदि आपने 6 साल पहले भी गलती की है तो वो गलती है, यदि आपने जुर्म यदि 6 साल पहले किया है और यदि आज उसका पता लगता है तो आपको निश्चित तौर पर वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो दंडनीय होता है। रही बात धर्मांतरण की, तो मैं शुरू से ये बात कहता हूँ, और ये बात एक स्वयं सिद्ध प्रमेय जैसा है, धर्मांतरण जो है वह एक राजनैतिक अभियान है, इसका आध्यात्मिकता से बिल्कुल लेना देना नहीं है, कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है। ये बात गांधी जी ने भी कहा था, ये बात महर्षि अरविंद ने भी कहा था, ये पूरी परंपरा है जिन्होंने इसका विरोध किया था। दुर्भाग्य से जो संविधान के अंदर जो 3 शब्द का प्रयोग किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर, उसमें क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव के कारण एक शब्द का प्रयोग किया गया था प्रोपगेशन, ये दुनिया के किसी भी संविधान में आपको नहीं मिलेगा, और ये इसका फायदा ये हुआ, इसका वो फायदा इसलिए उठाना चाहते थे कि हम दूसरे धर्मों को जाकर के समझाएं कि आप हमारे धर्म में आ जाएं, और बड़ा इसका विरोध हुआ। जो पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अंबेडकर भी इसके बिल्कुल विरोधी थे। बहरहाल हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो सामाजिक तनाव पैदा करता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक प्रकार की ये तनाव का एक मुख्य कारण है, क्रिश्चियंस के साथ एक तनाव का मुख्य कारण है, क्योंकि आप जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसमें एक प्रकार का डर पैदा होगा, वह इसके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और यही कारण है कि समाज के अंदर इस प्रकार की चीजें टकराव कर रहे हैं। मैं बार बार इट्स ए न्यूमेरिकल डोमिनेंस का ये अभिज्ञान प्रकाश, इसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं। संगीत रागी, संगीत रागी डिटेल में इन चीजों को जरूर अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी धर्मांतरण से ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि एक आईपीएस अधिकारी अगर अपने टेन्योर के दौरान इस तरीके की बातें कर रहा है,
तो वो उस मैनुअल का हिस्सा नहीं है जो उसे एकदम घोल के पी जानी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए। अब जांच पे ही आप कहने लगे कि देखिए मुसलमानों के साथ हो रहा है अत्याचार, अतिशयोक्ति होगा ना फिर तो। नहीं, एक एक पॉइंट बहुत देर सुनने के बाद मैं समय मांग रहा हूं बोलने का। बिल्कुल एक एक पॉइंट स्पष्ट रख देता हूं, क्योंकि सच में रूल्स जो है इस देश के की अफसरशाही को चलाने वाले, उनको आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, कोई डिबेट की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बिल्कुल जांच हो, 100% जांच हो। आई थिंक शिवम त्यागी ये कह रहे थे कि 7 दिन की अगर जांच है, जितना कम समय की जांच हो उतना अच्छा है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है मेरे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 साल पुराना है या 16 साल पुराना है, ये बहुत बारीक लाइन है, इस पर अलग बहस होनी चाहिए। धर्मांतरण इस देश के बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है, ये एक बड़ी बारीक लाइन होती है जब आप अपने धर्म की बात कर रहे हो और धीरे से आप बात करते करते धर्मांतरण की बात करने लगे, तो इट इज़ अ वेरी फाइन लाइन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस अफसरान साहब ने अगर इस वीडियो के हिसाब से अगर इस लाइन को क्रॉस किया है, तो जो भी कानून में प्रावधान है, जांच अगर सही साबित होती है इनके किसी किस्म के गुनाह की, तो उनको इस व्यक्ति पर अप्लाई होने की जरूरत होगी। इसमें कोई ओवेसी स्टेटमेंट दे दे या कोई कहीं और से स्टेटमेंट दे दे, इसकी मुझे कोई आवश्यकता कतई नहीं नजर आती। इफ प्रूवन गिल्टी ऑफ कन्वर्जन, मैं हिंदी में अनुवादित कर देता हूं, अगर ये साबित होता है कि वो धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ये गुनाह है। आपने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से, बिल्कुल जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, ये रहे फैक्ट्स, रख दिए सामने। लेकिन बावजूद उसके द लाइक्स ऑफ ओवेजीज, द लाइक्स ऑफ अनुराग भदौरिया ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आपने तो जानबूझकर ये मैटर छुआ है क्योंकि आपके पास कुछ और करने को है नहीं। मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ। 2021 कवर करने के लिए एबीपी न्यूज यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ से देश की भी खबर रखनी है, और इसीलिए आज चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश में उस एसआईटी बिठा देने के खबर पर, जहाँ ये कहा जा रहा है कि एक आईएएस, उसका एक वीडियो वायरल होता है जहाँ धर्मांतरण की बाकायदा बात हो रही है, तो 7 दिन में एसआईटी जांच कर दें। मैं चाहती हूँ शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया आप स्क्रीन पर रहें, और ये 1 मिनट मैं आप दोनों में बांटती हूँ, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया आप में और फिर 30 सेकंड शिवम आप में। शुरुआत अनुराग आपसे। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हुई, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है उससे बचने के लिए वो समाजवादी पार्टी के कामों पे डालना चाहती। मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी के काम पे तो फीता काट रहे हो 4.5 साल से, आपके पास तो कोई काम है नहीं। एक्सप्रेसवे हमारा बनाया, मेट्रो हमने बनाई, 1090 हमने बनाया, 100 डायल को आप 112 कर देते हो, स्टेडियम का हमारा नाम बदल के अपना नाम कर देते हो आप, एक्सप्रेसवे का हमारा नाम काट के अपना नाम कर, आप समाजवादी पार्टी के काम का फीता काट रहे हो, उनका नंबर बदल रहे हो, तो इसलिए आप अपने काम तो आपने कुछ किया नहीं समाजवादी काम का, ये आप गाना गाते हो। अब जब आपकी कानून व्यवस्था फेल हो जाती है, आप कानून व्यवस्था नहीं यहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो समाज 6 साल पुराना, 7 साल तो 4.5 साल से आप झुंझुना बजाते हैं क्या, सब काम समाजवादी करेगी तो आप क्यों आए थे सरकार में, जब सब काम समाजवादी करके गई है उसी का फीता और नंबर आपको बदलना है, तो आपको भी तो कुछ करना था ना प्रभु, कि खाली समाजवादी का ही नाम लेना है। इसलिए उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में कोई व्यक्ति हो अगर कानून और यहाँ पे संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जो बात कह रहे हैं, संगीत रागी मैं चाहती हूँ आप उसका काउंटर दें। उनका ये आरोप है कि जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है वो चूंकि अपना काम नहीं गिना सकती है, इसीलिए वो इधर उधर के मुद्दों को तलाश रही है। और नहीं नहीं उनका जब और उसको पालन भी नहीं करा पा रही है, अगर 4.5 साल से आपकी सरकार है, कोई आईएएस अधिकारी ऐसा कर रहा था तो आप क्या कर रहे? सबसे पहले तो आप मतलब आपके कंट्रोल में उत्तर प्रदेश नहीं है, बीच में पूरा लोग इस तरीके के डिबेट को पसंद नहीं करते। अनुराग भदौरिया आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर टाइमलाइन को जरा देख लीजिए, अलावा समाजवादी पार्टी में आपके चाहने वाले कार्यकर्ताओं के कोई और
समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इस तरीके की डिबेट पसंद आएगी। आपका सवाल पूछ लिया उसके बावजूद आप बोले चले जा रहे हैं, सामने वाले को बात रखने का मौका तो दीजिए। 20 सेकंड मनीष गुप्ता का भी नाम ले लीजिए, रागी साहब पुलिस ने पीट के मार डाला, मनीष गुप्ता का भी नाम ले लीजिए, तुम्हें पुलिस ने पीट के मार डाला उसके ऊपर में बात नहीं होगी क्या? नहीं हो देखिए कुछ नहीं हो सकता, देखिए रूबिका जी कुछ नहीं हो सकता जी, मैं आपको कह रही हूँ कायदे में बहस कीजिए, भाई अनुराग मर्यादा का पालन कीजिए, पर मुझे लगता है वो आपकी डिक्शनरी में नहीं है। रागी साहब का पालन हो गया, मैंने किसी मनीष गुप्ता को पीट के पुलिस ने मार दिया, मैंने अगर उठा दिया आपके डिबेट में तो मर्यादा का पालन हो गया, मतलब पुलिस वाले मार डाले किसी को इस सरकार में, और हम आप उठाइए ना भाई, किसने मना किया है, किसने मना किया है, आपके सवालों को कौन दबा रहा है सर, आप पूछिए ना सवाल। पुलिस वाली मार डालती है गोरखपुर, अरे भाई चाहे वो मनीष हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे चाहे वो मैजकीन हो, कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ अन्याय हुआ है तो आप सवाल उठाइए, कोई रोक थोड़ी ना आपको। उसी की तो बात कर रहा हूँ, उस पे रागी जी बताएं कि मनीष गुप्ता, बस अनुराग भदौरिया जी हाँ तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए प्लीज। संगीत रागी 20 सेकंड बताएं भाई, बताएं विवेक तिवारी मनीष गुप्ता दो नाम आए हैं, बताएं संगीत रागी। अनुराग 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 आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि 4.5 साल की योगी जी की सरकार है और यदि जीडीपी दुगनी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि सब चीज स्टैटिक रहा है, काम नहीं हुआ है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वह भी सरकार ने जारी किया है। मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक रेटरिक बन जाता है कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो नेटवर्क था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार सबसे नंबर 1 पर था। रागी साहब वक्त की कमी है। अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक फौरन बुलाने की मांग की है। कपिल सिब्बल के रुख के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।